दोस्तों इस्लाम फिर से खतरे में आ गया और इस बार इतनी भयंकर तरीके से खतरे में आया है कि LIC करानी जरूरी हो गई है। अब LIC कराने के बाद इस्लाम को वापस लाया जा सकता है खतरे से बाहर। तो इस बार खतरा किस चीज से पैदा हुआ है? खतरा पैदा हुआ है भारत माता की जय से। भारत माता की जय बोलने के कारण इस्लाम खतरे में है और वो खतरा हम आपको पूरा बताएंगे कि कैसे खतरे में आया, किस वजह से खतरे में आया, क्या सारी चीजें हुई। और हम इसमें यह भी बताएंगे कि भारत माता की जय बोलने से किस प्रकार का खतरा है और ये जो नरेटिव है ये किस तरीके से बिल्ड किया जा रहा है और क्यों बिल्ड किया जा रहा है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, बहुत जबरदस्त खुलासे होने वाले हैं। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। दोस्तों ट्रिपल तलाक के ऊपर बहस चल रही थी पार्लियामेंट के अंदर। अब लोकसभा में जब ये बहस चल रही थी तो लोकसभा में बहस के दौरान हम सभी को पता था कि बीजेपी की मेजॉरिटी है, ट्रिपल तलाक का जो अध्यादेश है वो लेके आ रहे हैं तो ये बिल पास होना ही है। तो इसके चलते कांग्रेस या फिर AIADMK ये सारी पार्टीज वॉकआउट कर जाती हैं और ये बिल लोकसभा में पास हो जाता है। जैसे ही ये लोकसभा में पास होता है वैसे ही भारत माता की जय के नारे लग जाते हैं और जैसे ही ये नारे लग जाते हैं वैसे ही आरफा खानम शेरवानी जो द वायर की एक रिपोर्टर हैं, उनकी बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी द वायर के चैनल पर, तो उनको बुरा लग जाता है। उनको पहले तो इस बात के लिए बुरा लगता है कि ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून पास हो गया जो कि एंटी इस्लामिक है। दूसरा उनको इस बात के लिए बुरा लगता है कि एंटी इस्लामिक कानून पास होने के बाद भारत माता की जय के नारे लगा दिए गए और उन्होंने एक ट्वीट लिखा। उसमें लिखा लोकसभा में भारत माता की जय पर नारे लगाए गए और साथ ही साथ ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया और हम सेक्युलरिज्म की बातें सुनते हैं हमारी गवर्नमेंट से और कानून मंत्री से। तो यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर भारत माता की जय को कम्युनल बता दिया, एंटी सेक्युलर बता दिया। अब इसके बाद एक अंकुर त्रिवेदी नाम के व्यक्ति ने आरफा खानम शेरवानी जी से बेहद सिंपल सा सवाल पूछ लिया कि भाई ये भारत माता की जय ये कब से कम्युनल हो गया, ये सेक्युलर था या ये कम्युनल है, चाहती क्या है आप ये बता दीजिए। तो इसके ऊपर आरफा खानम शेरवानी जी बोलती हैं कि हां भारत माता की जय जो है वो कम्युनल है और उसके लिए वो एक रीजन भी बताती हैं। वो कहती हैं क्योंकि ये एक ऐसे आइडिया से आता है जिसमें मदरलैंड को देवी बोला जाता है और मेरे रिलीजन में मैं एक ऐसे फेथ से आती हूं जिसमें देवी वेवी का कोई स्थान नहीं है, तो मदरलैंड को देवी के रूप में मैं नहीं मान सकती, इसलिए ये मेजोरिटेरियन है और इसलिए ये सेक्युलर नहीं है, ये कम्युनल है। मेजॉरिटी एक आइडियोलॉजी को थोप रही है, तो यहां से इनका रीजन ये निकल कर आता है। उसके बाद शिल्पी तिवारी जी ने एक सवाल किया, उन्होंने कहा कि भाई भारत माता में माता है ना कि देवी, तो वो माता के रूप में आप उसको लीजिए, आप अपनी माता को भी सलाम करती होंगी तो बस उसी तरीके से ये सलाम आप भारत मां को भी कर सकती हैं। तो इसके ऊपर हमारी टेररिस्ट सिंपैथाइजर बीच में आ जाते हैं और कहती हैं कि अच्छा तेरी मम्मी भी इसी तरीके के कपड़े पहनती होंगी। वो एक भारत माता की तस्वीर दिखाती हैं जिसमें उनको देवी के रूप में सजाया हुआ होता है और उसको कहती हैं कि देख ये देवी है ना कि मां। तो यहां से हमारी टेररिस्ट सिंपैथाइजर को थोड़ा बुरा लग जाता है जब एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है शिल्पी तिवारी के द्वारा। अब दोस्तों इस मुद्दे के ऊपर बहुत सारे लोगों ने आरफा खानम शेरवानी को बहुत जबरदस्त जवाब दिए हैं, जिसमें से पहले हम शुरुआत करते हैं प्रभु चावला के साथ। तो प्रभु चावला ने ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हें माता पिता बोलने से प्रॉब्लम है तो क्या तुम एक प्राउड इंडियन की तरह मेरे भारत की जय बोल सकती हो? भारत माता की जय मत बोलो, भारत पिता की जय मत बोलो, आप बोलो मेरे भारत की जय, क्या आप ऐसा कर सकती हो? या फिर तुम्हें भारत से प्रॉब्लम है या हिंदुस्तान से प्रॉब्लम है और भारत और हिंदुस्तान तुम्हें कॉम्युनल लगता है? तो यह बात लिखी प्रभु चावला ने। उसके बाद हम बात करते हैं शहजाद पूनावाला की। शहजाद पूनावाला जो कि खुद एक मुसलमान हैं
और वो एक बेहद जबरदस्त जवाब देते हैं आरफा खानम शेरवानी को। तो इसके ऊपर शहजाद पूनावाला क्या बोलते हैं? शहजाद पूनावाला बोलते हैं कि भारत को अपनी माँ समझो, भारत को अपनी माँ समझकर सलाम करो, सैल्यूट करो और भारत माता की जय बोलो। लेकिन आप अगर अपनी माँ को ही कॉम्युनल मानती हैं तो एक अलग बात हो सकती है, क्योंकि आप अपनी माँ को भी सलाम तो करती ही होंगी, ऐसा लिखा शहजाद पूनावाला ने। अब उसके बाद तारिक फतेह आ जाते हैं। तारिक फतेह लिखते हैं कि भारतीय मुसलमान भारत माता की जय इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनको हिंदुओं से नफरत है, उन्हें ऐसा नहीं करने देती उनकी हिंदू नफरत, और इसीलिए वो भारत माता की जय नहीं बोल रहे हैं। हिंदू फ्री पाकिस्तान 1947 में बना था, और वो आरफा खानम शेरवानी को कहते हैं कि आप भी अपनी जो तशरीफ है उसको पाकिस्तान में ले जा सकती हैं। हाँ, साथ ही साथ वो ये भी पूछते हैं कि बाय द वे आप हमें ये भी बता दीजिए कि क्या आपको उड़ने वाले घोड़ों में विश्वास है, क्योंकि पाकिस्तान में सभी लोगों को उड़ने वाले घोड़ों में विश्वास। अब दोस्तों, तारिक फतेह के बाद हम बात करते हैं जावेद अख्तर की। जावेद अख्तर वैसे तो सेक्युलर जमात से ही आते हैं, या फिर कहीं सिक्युलर जमात से ही आते हैं, और कई बार लेकिन भारत माता की जय के ऊपर उनके काफ़ी अच्छे बयान आए हैं। तो जावेद अख्तर ने इस बात पर आरफा खानम शेरवानी को लिखा है कि उर्दू में मादरे वतन बोला जाता है, वतन के लिए, अपने वतन के लिए मादरे वतन बोला जाता है, जिसका मतलब होता है माँ जैसा वतन, यानी कि भारत माता अगर हम उसे कहें तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो मादरे वतन से आप भारत माता की जय बोलना सीख सकती हैं, उर्दू आपको यही सिखाती है। तो ये बात भी आरफा खानम शेरवानी को समझ में नहीं आती। अब उसके बाद हम एक बात कहना चाहते हैं आरफा खानम शेरवानी को, और ये बात बोलने के बाद हम अपना जो रुख करेंगे वो एनालिसिस की तरफ करेंगे। हम आपको बताएंगे कि इस तरीके के जो नैरेटिव्स हैं वो क्यों लाए जा रहे हैं देश के अंदर। तो जो हमारा सवाल है वो ये है कि क्या अशफाक उल्ला खान वो कम मुसलमान थे शेरवानी जी से? क्या अशफाक उल्ला खान मुसलमान भी थे शेरवानी जी के हिसाब से या नहीं? क्योंकि अशफाक उल्ला खान ने जब वो मरने जा रहे थे, जब उनको फांसी लगने जा रही थी, तो मरते मरते उन्होंने कुछ लाइनें लिखी थी, और लाइनें जो लिखी थी वो लाइनें हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। और उन्होंने उस लाइनों में भी भारत माता का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा था, बिस्मिल हिंदू हैं तो कहते हैं फिर आऊंगा ए भारत माँ तुझे आजाद कराऊंगा, जी चाहता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बंध जाता हूं, मुसलमान हूं पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। हां खुदा अगर कहीं मिल जाए तो झोली फैला दूंगा, जन्नत के बदले दूसरा जन्म मांगूंगा, फिर आऊंगा भारत माँ तुझे आजाद कराऊंगा। ये शब्द थे आखिरी अशफाक उल्ला खान वारसी के। तो क्या अशफाक उल्ला खान मुसलमान नहीं थे? क्या वो भारत माता की जय जो बोलकर गए वो गलत था? तो ये बात हम पूछना चाहते हैं आरफा खानम शेरवानी जी से, क्या आपका मुसलमान मुसलमान है और उनका मुसलमान मुसलमान नहीं? अब दोस्तों बात करते हैं कि नैरेटिव किस तरीके से सेट किया जा रहा है और क्यों सेट किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको याद होगा एआर रहमान का एक गाना आया था, वंदे मातरम माँ तुझे सलाम। वो गाना करीबन 2004 या 2005 में आया था, और जैसे ही वो गाना आया वैसे ही इस्लाम खतरे में आ गया, और तब शायद मुझे पहली बार पता चला था कि इस्लाम में वंदे मातरम बैन है। अब वहां से इस्लाम में और मुसलमानों में ये चीज भर दी गई कि वंदे मातरम नहीं बोलना है क्योंकि इस्लाम में बैन है। अब उसके बाद आते हैं, आगे चलते हैं, और आपने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मुसलमान लोग जनगणमन पर खड़े नहीं होते हैं, या फिर कोई मौलवी मस्जिद में मदरसों में बच्चों को ये कह रहा है कि जनगणमन नहीं गाना है, जनगणमन के अलावा कुछ भी गा लो लेकिन जनगणमन नहीं गाना है। तो एक वीडियो ऐसी हम आपको भी दिखाते हैं, ऐसी असंख्य ही वीडियोज हैं।
अभी तक जो इस्लाम वंदे मातरम से खतरे में था, वो अब जनगण मन से भी खतरे में आ चुका है। अब उसके बाद एक और नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। ओवैसी जी एक दिन खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद कहते हैं, आज के बाद मैं कभी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। और जब इस तरीके का एक विवाद होता है, उस वक्त भी भारत माता की जय बहुत सारे विवाद में घिर जाता है और इस तरीके के बहुत सारे पक्ष और प्रतिपक्ष हमें देखने को मिलते हैं। ओवैसी जी के बाद आ जाती हैं आरफा खानम शेरवानी, जो कह देती हैं कि भाई मैं तो भारत माता की जय कतई नहीं बोलूंगी, क्योंकि भारत माता की जय बोलना सेक्युलरिज्म में नहीं आता है, वो इस्लाम में भी नहीं आता है, तो जो चीजें इस्लाम में आएंगी बस वो वही बोलेंगी और वही सेक्युलर है। तो ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं आरफा खानम शेरवानी। तो आपने देखा कि पहले वंदे मातरम, फिर उसके बाद जनगणमन, फिर उसके बाद भारत माता की जय, कैसे सिलसिलेवार तरीके से एक नैरेटिव को सेट किया जा रहा है। जो भी ग्रास रूट से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो भी भारत से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन चीजों को मुसलमानों के मनों से, उन चीजों को मुसलमानों के दिलों से निकालने की कोशिश की जा रही है। अब दोस्तों ये बात यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर बीएसएफ ने एक बहुत जबरदस्त खुलासा किया है। वो खुलासा क्या है, उन्होंने कहा है कि जितने भी बॉर्डरिंग एरियाज हैं, जो एरियाज पाकिस्तान के बॉर्डर को टच करते हैं, वहां पर डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है, वहां पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यानी कि मुसलमानों की जो संख्या है, जनसंख्या है, वो बढ़ती जा रही है अप्रत्याशित रूप से। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया है कि वहां जो बॉर्डरिंग एरियाज के जो मुसलमान हैं, उनके अंदर से भारतीयता को निकाल कर अरेबिक कल्चर उनको दिया जा रहा है। भारतीय कल्चर को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं अरेबिक कल्चर को। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है बीएसएफ का। पूरा सर्वे करने के बाद बीएसएफ ने इस तरीके की जानकारी दी है। तो अब एक तरफ आप देख रहे हैं कि बॉर्डरिंग एरियाज में मुसलमानों के मन में अरेबिक कल्चर को घुसाया जा रहा है और भारतीय कल्चर उनसे निकाला जा रहा है, वहीं साथ ही साथ आरफा खानम शेरवानी जैसे लोग इस तरीके के नैरेटिव को सेट कर रहे हैं कि भारत माता की जय आपको नहीं बोलना है, या फिर जनगणमन आपको नहीं बोलना है, या फिर वंदे मातरम आपको नहीं बोलना है। तो यहां से एक षड्यंत्र सा होता हुआ प्रतीत होता है। हम जांच एजेंसियों से आग्रह करेंगे कि आप इस षड्यंत्र का पता लगाएं, क्या किस बड़े लेवल पर कहां से इस चीज की फंडिंग आ रही है, या किस लेवल पर इस चीज को कराया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमें patreon.com पर हेल्प कर सकते हैं। patreon.com का जो एड्रेस है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।